बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ इतवार 14 शाबान मुअज़्ज़म है और आज इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज़ ईशा मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होगा। हमारे सूबा जम्मू के अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत का ये ऐलान है कि आज 14 शाबान है और ईशा के बाद इंशाअल्लाह ताला आज जो है मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होगा और शबे बरात आज है। आज की रात को हमें कसरत के साथ नवाफिल अदा करने, कुरान हकीम की तिलावत करनी है, जिक्र अज़कार के अंदर, शब्बेदारी के अंदर ये रात गुजारनी है। हम मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के ऊपर फ़ज़ल व करम एहसान फरमाए और जहाँ तक हो सके तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत के साथ साथ जो बरेली शरीफ का एक मामूल है हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह से लेकर के आज तक, क्योंकि आज इस्लामी हिसाब किताब से और जो हमारी मजहबी किताबें हैं उनके एतबार से आज जो हिसाब किताब का साल का आखिरी दिन है और कल से अब दूसरे साल का एक शुरुआत होगी, तो हमारे एक साल के नामा अमाल अब बंद होने वाले हैं। इस वजह से हमारे वो जो रूठे हुए भाई हों उनको आज मनाने की कोशिश करनी चाहिए, अरे एक दूसरे से गिले शिकवे हों तो वो ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस वजह से कि इस मुकद्दस रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया के ऊपर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और उसकी तरफ से ये निदा होती है कि आज बख्शिश जाने वाले कौन हैं, माए मेरी बारगाह में मैं बख्श लूँगा। लेकिन कई तरह के लोग हैं जो मुताबिक अहादीस मुबारक के अंदर जिनका जिक्र है, तकरीबन 8 लोग जिनकी तौबा आज की रात भी कबूल नहीं होती, उनमें से कातिउ रहम भी है रिश्ता काटने वाला। इस वजह से हमारा कोई भी भाई और जिसके साथ हमारा रिश्ता कट चुका हो तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को हम मना लें, इसी में हम सब लोगों की बेहतरी है। मेरी भी तमाम लोगों से इस्तेदा होगी कि हमें भी दुआ में याद रखें, हमारी इदारों को भी याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर।